हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। टुडेज सब्जेक्ट इज ईवीएस चैप्टर 5, प्लांट्स अराउंड अस। हमारा चैप्टर 5 है प्लांट्स अराउंड अस। वी सी मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम अपने आसपास कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को देखते हैं। दे ग्रो ऑन लैंड एंड इन वॉटर। ये कहाँ पे उगते हैं? ये लैंड पे भी उगते हैं, जमीन पे भी उगते हैं और वाटर में भी। सम ऑफ देम आर बिग एंड सम स्मॉल। इनमें से जो प्लांट्स होते हैं, इनमें से कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। नेम फोर प्लांट्स ग्रोइंग इन योर सराउंडिंग। आपको ऐसे चार प्लांट्स के नेम लिखने हैं जो आपके आसपास ग्रो करते हैं। प्लांट डाइवर्सिटी। प्लांट डाइवर्सिटी यानी कि प्लांट्स की विविधताएं, कितनी कितनी टाइप्स के होते हैं। वी सी सम प्लांट्स स्टैंड अलोन। हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो अकेले खड़े रहते हैं। सम ग्रो अगेंस्ट अ वॉल और कुछ दीवार से सटकर खड़े होते हैं। सम ग्रो अलोंग द ग्राउंड और कुछ ग्राउंड से जुड़े होकर उगते हैं। सम हैव वुडी स्टेम्स वाइल सम आर बुशी। कुछ की जो स्टेम्स होती है, तना होता है, वो वुडी होता है और कुछ क्या होते हैं, जंगली होते हैं। वी फाइंड देम इन डिफरेंट शेप्स साइजेस कलर्स अरोमा एंड हैबिटेट्स। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट आकार के होते हैं, डिफरेंट साइज, छोटे बड़े, मीडियम साइज, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। अरोमा, अरोमा मीन्स होती है खुशबू, अलग अलग प्रकार की खुशबू के होते हैं। और हैबिटेट्स, और वो अलग अलग जगह उनका वास होता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे वो उगते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सच डाइवर्सिटी प्लांट्स आर ऑफ 5 टाइप्स, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। इन डायवर्सिटी के आधार पर, इन विविधताओं के आधार पर प्लांट्स के 5 टाइप्स हैं। कौन कौन से? ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो हमारे प्लांट्स लंबे और बड़े और स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं। टॉल, बिग and strong plants are called trees. They have many branches. उनकी बहुत सारे branches होती हैं, यानी कि उनकी बहुत ज्यादा शाखाएं होती हैं। They have strong stem and stand erect. उनकी क्या होती है, जो उनकी stem होती है, उनका जो तना होता है वो क्या होता है, काफी strong होता है और वो एकदम सीधे खड़े रहते हैं। कैसे खड़े रहते हैं? एकदम सीधे खड़े रहते हैं। द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड द ट्रंक। जो ट्री का स्टेम होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। ट्रीज गिव अ शेड, फ्रूट्स एंड वुड। जो हमारे ट्रीज होते हैं वो हमें शेड यानी कि छाया देते हैं, फ्रूट्स देते हैं और वुड लकड़ी देते हैं। पीपल, बैनियन, कोकोनट, नीम एंड अशोक आर सम ऑफ द ट्रीज। हमारे कौन कौन से ट्रीज हैं? पीपल, बैनियन, कोकोनट, नीम, अशोक आर सम ऑफ द ट्रीज। श्रब्स हैव स्मॉल, थिन, हार्ड, वुडी स्टेम एंड मैनी ब्रांचेस। जो श्रब्स होते हैं उनकी क्या होते हैं? स्मॉल यानी कि छोटे, पतले और कठोर, हार्ड वुडी स्टेम होती है और उनकी काफी ज्यादा ब्रांचेस होती हैं। ये आपकी क्या है? श्रब्स हैं, जिनमें क्या है, बहुत ज्यादा आपकी क्या है, ब्रांचेस है, लेकिन इनकी जो स्टीम है वो वुडी है लेकिन पतली है और ये काफी हार्ड होती हैं। दीज ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड से काफी पास में ग्रो करती हैं। दे आर मीडियम इन साइज एंड लिव फॉर सेवरल ईयर्स। इनकी जो साइज होता है वो मीडियम साइज होता है, ना ही ये ज्यादा बड़े होते हैं और ना ही ज्यादा छोटे होते हैं और ये कई सालों तक जिंदा रहते हैं। रोज, तुलसी, जैस्मिन, हिबिस्कस एक्सेट्रा आर श्रब्स।
जो रोज होता है, आपने रोज का प्लांट देखा होगा, वो क्या होता है, पतला होता है, उसका तना जो होता है पतला होता है लेकिन वुडी होता है और उसका साइज भी छोटा होता है, तो वो क्या है, श्रब्स है. क्या है वो? श्रब्स. हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स एंड हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स. जो हर्ब्स होते हैं वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन और काफी सॉफ्ट होती है. दे कैन स्टैंड इरेक्ट ऑन द ग्राउंड. वो ग्राउंड से एकदम सीधे खड़े रहते हैं. दे आर सीजनल प्लांट्स. ये क्या होते हैं? सीजनल प्लांट्स होते हैं, यानी कि जब जब जिसका सीजन होता है तभी वो ग्रो करते हैं. मोस्ट हर्ब्स लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स. ज्यादातर जो हर्ब्स होते हैं वो कुछ ही महीनों के लिए लिव करते हैं, जिंदा रहते हैं. ग्रास, मिंट, वीट, सनफ्लावर, लेडीज फिंगर एक्सेट्रा आर हर्ब्स. जो हमारे ग्रास होती है यानी घास, मिंट यानी कि पुदीना, वीट यानी कि आपके गेहूं, सनफ्लावर और लेडीज फिंगर, ऐसे और भी बहुत सारे हमारे हर्ब्स होते हैं. क्लिम्बर्स. क्लिम्बर्स हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड थिन स्टेम्स. जो क्लिम्बर्स होती हैं उनकी क्या होती हैं? काफी सॉफ्ट यानी मुलायम, ग्रीन और पतली स्टेम्स होते हैं, तने होते हैं. दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट ऑन देयर ओन. ये जो हमारे क्लिम्बर्स होते हैं वो अपने आप सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं. दे नीड द हेल्प ऑफ अनदर प्लांट और सपोर्ट टू स्टैंड. इनको सीधे खड़े रहने के लिए दूसरे प्लांट्स की हेल्प लेनी पड़ती है या उनका सपोर्ट लेना पड़ता है. क्लिम्बर्स हैव टेंड्रिल टू होल्ड द सपोर्ट्स. ग्रेपवाइन, पी, मनी प्लांट्स एक्सेट्रा आर क्लिम्बर्स. ये जो ग्रेपवाइन है, पीज, मनी प्लांट, ये सारे क्या है? क्लिम्बर्स हैं. ये अपने आप खड़े नहीं हो पाते हैं. इनको स्टैंड करने के लिए या तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको सपोर्ट देना पड़ता है या फिर वो दूसरे जो प्लांट्स होते हैं उनका सपोर्ट लेते हैं. क्रीपर्स क्रॉल अलोंग द ग्राउंड. जो क्रीपर्स होते हैं वो ग्राउंड से जुड़े हुए होते हैं. क्रीपर्स हैव वीक स्टेम. जो क्रीपर्स होती हैं उनकी क्या होती है, स्टेम जो होती है, तना जो होता है बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है. दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट. वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं. पम्पकिन, वाटरमेलन, बॉटल ग्राउंड एक्सेट्रा आर सम क्रीपर्स. ये जो प्लांट्स हैं ये क्रीपर्स प्लांट्स इनको कहते हैं, लाइक पम्पकिन, वाटरमेलन, बॉटल ग्राउंड. वेयर प्लांट्स ग्रो. प्लांट्स कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं, उनका डिफरेंट हैबिटेट्स होता है, वो कहाँ पर ग्रो करते हैं. प्लांट्स ग्रो एवरीवेयर. प्लांट्स जो है वो हर जगह ग्रो करते हैं. दे ग्रो ऑन लैंड और इन वाटर. वो जमीन पे भी ग्रो करते हैं और वाटर में भी. डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट्स. जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं उनका अलग अलग क्लाइमेट होता है, उनकी अलग अलग जलवायु होती है कि वो कहाँ पर ग्रो करेंगे. दे ग्रो इन प्लेन्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स एंड इवन इन एरियाज विद हैवी स्नोफॉल. प्लांट्स कहाँ कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं? प्लेन्स, जहाँ पे एकदम प्लेन जमीन हो, या फिर माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, और ऐसी एरियाज जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है वहां पे भी प्लांट्स ग्रो करते हैं. दे ग्रो इन प्लेसेस विच हैव एडिक्वेट एयर, वाटर एंड सनलाइट एंड द राइट काइंड ऑफ सॉइल. वो ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पे पर्याप्त एयर हो, हवा हो, वाटर हो, सनलाइट हो और उनकी राइट मिट्टी हो. द प्लेस वेयर प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड द हैबिटेट. जहां पर वो प्लांट्स ग्रो करते हैं, जिस जगह पर वो ग्रो करते हैं वो जगह उनका हैबिटेट होता है जहां पर वो ग्रो करते हैं. देयर आर वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स. बहुत ज्यादा वेराइटी होती है हैबिटेट्स की. सम आर कोल्ड एंड डार्क, अदर्स मे बी हॉट एंड ड्राई.
कुछ क्या होते हैं, कोल्ड और डार्क जगह होती है, और कुछ की कैसी जगह होती है, हॉट और ड्राई. राइस एंड वीट ग्रो इन प्लेन्स. जो हमारे चावल गेहूं के खेत होते हैं वो कौन सी जगह पे ग्रो करते हैं, जहां पे प्लेन समतल एरिया होता है. कैक्टस ग्रोज इन डेजर्ट. जो कैक्टस प्लांट होता है वो डेजर्ट पे ग्रो करता है. कॉनिफर्स ग्रोज ऑन माउंटेन्स एंड हिल्स. ऐसे ट्रीज, ऐसे प्लांट्स जो कैसे होते हैं, कोन शेप में होते हैं, वो प्लांट्स कहां पर उगते हैं, माउंटेन्स और हिल्स पे. सुंदरी ट्रीज ग्रोज इन मार्शेस. जो सुंदरी ट्रीज है वो कहां पर उगते हैं, दलदल. मार्शेस मतलब क्या होता है, दलदल. ऐसी जगह पर वो ग्रो करते हैं. प्लांट्स इन प्लेन्स. प्लेन्स में प्लांट्स यानी कि ऐसी जगह जहां पर प्लेन्स एरिया होता है वहां पर कौन कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं. प्लांट्स लाइक वीट, राइस, मेज, जूट, शुगर कैन एक्सेट्रा ग्रो इन द प्लेन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में वीट, राइस, मेज, जूट, शुगर कैन प्लेन जगह पर ग्रो करते हैं, जहां पर मिट्टी, जहां की जमीन क्या होती है, समतल होती है. प्लांट्स इन डेजर्ट्स. कौन से प्लांट्स हैं जो डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं. अ फ्यू प्लांट्स ग्रो इन द हॉट ड्राई डेजर्ट. कुछ प्लांट्स हैं जो हॉट और ड्राई, गर्म और सूखी रेगिस्तान में ग्रो करते हैं. दीज प्लांट्स डू नॉट नीड एज मच वाटर एज अदर प्लांट्स. ये जो प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट पे ग्रो करते हैं उनको उतनी पानी की जरूरत नहीं होती है जितने अदर प्लांट्स को होती है. द डेजर्ट हैज सैंडी सॉइल एंड इट इज एंड इज हॉट एंड ड्राई. जो डेजर्ट है उसका जो सॉइल है, उसकी जो मिट्टी है, वो काफी सैंडी यानी कि रेतीली होती है और गर्म और ड्राई होती है. सो प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड कीकर ग्रो हेयर. तो इसीलिए यहां पर कौन कौन से प्लांट्स उगते हैं, कैक्टस और कीकर. कैक्टस हैज थ्रोन इंस्टीड ऑफ लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस. जो कैक्टस होता है उसमें क्या होते हैं, कांटे लगे होते हैं. थ्रोन्स मतलब क्या होते हैं, कांटे. तो उनमें क्या होता है, कांटे होते हैं, और वो किस लिए होते हैं, ताकि ज्यादा वाटर लॉस से वो बच सके. डेट पाम्स ऑल्सो ग्रोज नियर द ओशेस. जो डेट पाम्स होते हैं यानी कि खजूर के जो पेड़ होते हैं वो भी ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहां आसपास पानी होता है. प्लांट्स इन हिल्स एंड माउंटेन्स. अब हम उन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो माउंटेन्स और हिल्स में पाए जाते हैं. सम प्लांट्स लाइक पाइन, लिली, ब्रिज एंड विल्वो ग्रो इन फॉरेस्ट और केव्स दैट गेट वेरी लिटिल सनलाइट. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि पाइन, लिली, ब्रिज, विल्वो, ये फॉरेस्ट में और या फिर गुफाओं में ग्रो करते हैं जहां पर बहुत ही कम लाइट होती है, सन वहां पे बहुत कम पहुंच पाता है. द क्लाइमेट इज कोल्ड हेयर. वहां का जो क्लाइमेट होता है, वहां की जो जलवायु होती है वो काफी ठंडी होती है. मोस्ट ऑफ दीज प्लांट्स आर कोन शेप्ड ट्रीज कॉल्ड कॉनिफर्स. उनके जो मोस्टली प्लांट्स होते हैं वो किस शेप में होते हैं, कोन शेप में होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, कॉनिफर्स. क्या कहा जाता है, कॉनिफर्स. कॉनिफर्स बियर कोन्स एंड निडल लाइक लीव्स. दीज ट्रीज आर एवरग्रीन. उनकी जो पत्ते होते हैं वो निडल की तरह यानी कि काफी नुकीले होते हैं, और ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जो ट्रीज होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, यानी कि वो हमेशा ऐसे ही ग्रीन रहते हैं और हमेशा इतने ही उगे रहते हैं. प्लांट्स इन मार्शेस. दलदल में प्लांट्स. ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो दलदल में उगते हैं. प्लांट्स लाइक मैनग्रोव्स ग्रो इन मार्शेस. मैनग्रोव्स एक प्लांट का नेम है जो मार्शेस यानी कि दलदल में उगता है. मार्शेस आर एरियाज दैट हैव स्टिकी सॉइल एंड वाटर. मार्शेस एक ऐसा एरिया होता है जहां की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो काफी चिपचिपी होती है और वहां पे बहुत ज्यादा वाटर होता है. मैनग्रोव्स हैव ब्रीदिंग रूट दैट आर अबव द सॉइल.
जो मैनग्रोव्स के रूट्स होते हैं वो उनको ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं, लेकिन जो उसके रूट्स होते हैं वो सॉइल के ऊपर होते हैं, यानी कि मिट्टी के ऊपर होते हैं। एन एग्जाम्पल इज सुंदरी ट्री ऑफ द सुंदरबन्स। सुंदरबन आपने सुना होगा, सुंदरबन होता है और वहां के जो ट्री है सुंदरी, वो क्या करती है, मासेस में ग्रो करती है। नेक्स्ट इज एक्वाटिक प्लांट्स, यानी कि वो प्लांट जो पानी में यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं। सम प्लांट्स लाइक लोटस, वाटर लिली एंड हाइड्रिला ग्रो इन वाटर। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं। दे ग्रो इन लेक्स, रिवर्स एंड इवन द ओशंस। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो लेक यानी कि झील में, नदियों में और महासागरों में पाए जाते हैं। दीज प्लांट्स में बी फिक्स प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स और सबमर्ज प्लांट्स। ये प्लांट्स फिक्स प्लांट्स भी हो सकते हैं, ऐसे प्लांट्स जो एक ही जगह पर स्टिक होकर रहते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स जो कि पानी में तैरते हैं, और ऐसे प्लांट्स जो पानी में डूबे रहते हैं, यानी कि पानी के अंदर होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं, उनको हम सबमर्ज प्लांट्स कहते हैं। फिक्स प्लांट्स आर फिक्स टू द बॉटम ऑफ द वॉटर बॉडी बट देयर लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लॉट ऑन द वॉटर। फिक्स प्लांट्स क्या होते हैं, उनका जो बॉटम होता है यानी कि उसके जो नीचे का हिस्सा होता है, रूट्स होते हैं, वो पानी के नीचे होते हैं, लेकिन जो उनके लीव्स होते हैं और उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो वॉटर के ऊपर तैरते हैं। दीज प्लांट्स हैव लाइट एंड होलो स्टेम्स। इनके जो स्टेम्स होते हैं, उनके जो तना होता है, वो काफी हल्का होता है और अंदर से खोखला होता है। वॉटर लिली एंड लोटस आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड वॉटर प्लांट्स। वॉटर लिली एंड लोटस जो होते हैं वो फिक्स वॉटर प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। ये क्या करते हैं, ऊपर तैरते हैं, लेकिन इनका जो बॉटम होता है वो नीचे एकदम फिक्स्ड होता है। वॉल्फिया एंड डकवीड आर फ्लोटिंग प्लांट्स। जो वॉल्फिया है और डकवीड है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी में तैरते हैं। सबमर्ज प्लांट्स हैव स्मॉल एंड नैरो लीव्स। जो हमारे सबमर्ज प्लांट्स होते हैं, जो पानी के अंदर होते हैं, वो काफी स्मॉल होते हैं और उनके लीव्स काफी नैरो यानी कि पतली होती है। हाइड्रिला एंड टेप ग्रास आर एग्जाम्पल्स ऑफ सबमर्ज वाटर प्लांट्स। हाइड्रिला और टेप ग्रास जो है वो सबमर्ज वाटर प्लांट्स के एग्जाम्पल्स है। ये हमारे फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट्स हैं। ये क्या है हमारा, लोटस। नेक्स्ट फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट्स, जो क्या कर रहे हैं, वाटर में तैर रहे हैं। नेक्स्ट है सबमर्ज एक्वाटिक प्लांट, जो वाटर के अंदर है। देयर आर ओवर 2,60,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में कम से कम 2,60,000 टाइप्स के हमारे प्लांट्स होते हैं। डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर एवरी डे लाइफ। जो हमारी एवरी डे की लाइफ है, यानी कि रोजाना की जो लाइफ है, वो हमारे सारे किस पे डिपेंड्स है, हमारे प्लांट्स पे डिपेंड्स है। किस तरीके से डिपेंड्स है, चलिए इनको रीड करते हैं। प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए कई तरीके से यूजफुल होते हैं। नंबर वन, वी नीड ऑक्सीजन इन द एयर वी ब्रीथ। जो भी हमारी ऑक्सीजन होती है वो एयर में होती है, जो हमें ब्रीथ करने में हेल्प करती है, उसकी जरूरत होती है। प्लांट टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट वी ब्रीथ आउट एंड टर्न इट इनटू ऑक्सीजन। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आप लोगों को पता है कि हम ऑक्सीजन इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं। तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आउट करते हैं, प्लांट्स उनको क्या करता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, ताकि हम क्या कर सके, ब्रीथ कर सके। सेकेंड इज प्लांट्स प्रोवाइड अस फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। जितना भी मोस्टली हमारा वेजिटेबल्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से हमें मिलते हैं। दे गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, सीरियल्स, नट्स एंड स्पाइसेस। थर्ड, वी गेट मोस्ट ऑफ आवर ड्रिंक्स फ्रॉम प्लांट्स
tea, coffee and cocoa are obtained from plants. हमारे जो mostly drinks होती हैं वो भी हमें plants से ही मिलती है. Like tea. Tea के लिए हमें क्या चाहिए होता है? Tea tree चाहिए होता है. Teas के tree होते हैं. Trees के plants होते हैं. उन plants के through ही हमें क्या मिलते हैं? Tea मिलता है. Right? Next is plants or plant products are used to make medicines. Plants like cloves, तुलसी, नीम एक्सेट्रा आर यूज्ड इन मेडिसिंस मोस्ट ऑफन. जो प्लांट्स होते हैं या फिर प्लांट से बनी जो भी चीजें होती हैं वो हमारी मेडिसिन बनाने में यूज होती है. जैसे कि क्लोव्स, क्लोव्स यानी कि लौंग, लौंग, तुलसी, नीम, इनसे हमारे क्या बनते हैं? मेडिसिन बनते हैं. प्लांट्स आर फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स. जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिनको हम पालते हैं उन एनिमल्स को भी फूड कौन प्रोवाइड करते हैं? प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं. ट्रीज लाइक शाल, टीक, शीशम एंड किकर प्रोवाइड अस वुड टू मेक फर्नीचर एंड हाउसेस. जो हमारे ट्रीज होते हैं, शाल का ट्री, टीक और शीशम के ट्रीज, कीकर के ट्रीज, इनका जो वुड होता है उन वुड के थ्रू हमारे क्या बनते हैं? फर्नीचर बनते हैं और हाउस बनते हैं. तो प्लांट्स हमारा फर्नीचर और हाउस बनाने में भी हेल्प करते हैं. प्लांट्स लाइक जूट, कॉटन एंड फ्लैक्स प्रोवाइड अस फाइबर लाइक जूट, कॉटन एंड लिनन. दीज फाइबर्स आर यूज टू मेक आवर क्लोथ्स. तो जो प्लांट्स होते हैं वो हमें जूट देते हैं, कॉटन देते हैं, जिनके थ्रू हमें क्या मिलता है? फाइबर मिलता है और उन्हीं फाइबर से हमारे क्लोथ्स बनते हैं. तो जितने भी हम क्लोथ्स पहनते हैं वो मोस्टली हमारे प्लांट्स के थ्रू ही हमें मिलते हैं. प्लांट्स गिव अस शेड एंड प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स. जो प्लांट्स हैं वो हमें शेड देते हैं, छाया देते हैं और जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको रहने की जगह देते हैं. मोस्टली हमारे एनिमल्स और बर्ड्स पेड़ों पर ही रहते हैं. प्लांट्स लाइक बैम्बू आर यूज टू मेक पेपर्स. जो बैम्बू का ट्री होता है, प्लांट होता है, उसके थ्रू हमारा क्या बनता है? पेपर्स बनते हैं. तो प्लांट्स हमें क्या देता है? पेपर. प्लांट्स आर ऑल्सो यूज टू मेक परफ्यूम्स, सोप, ऑयल्स, क्रीम्स, पेंट्स, वार्निश, रबर एंड एक्सेट्रा. जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके थ्रू हमें परफ्यूम, जितना भी हम परफ्यूम यूज करते हैं वो सब हमें प्लांट से ही मिलता है. सोप, ऑयल्स, क्रीम्स, पेंट्स, जितने भी हमारे कलर्स होते हैं, वार्निश, जो भी हम हमारे फर्नीचर पे हम एक्स्ट्रा लाइट डालते हैं, वार्निश करते हैं, वो सब भी हमें प्लांट से ही मिलता है. प्लांट्स मेक गार्डन एंड पार्क्स ग्रीन. जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो गार्डन्स और पार्क को ग्रीन रखने में हेल्प करते हैं, जिसके थ्रू गार्डन और पार्क्स काफी ब्यूटीफुल लगते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स एंड क्रॉप्स. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो पहले के टाइम पे नहीं होते थे लेकिन आज उनका इंट्रोडक्शन हो चुका है इंडिया में. तो वो कैसे हुआ, किस वजह से हुआ और कौन कौन से वो प्लांट्स हैं उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. Nowadays, we find many new fruits and vegetables which did not exist during our grandparents' time. आज के टाइम में काफी ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं इस टाइम पे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पर नहीं थे. Your grandparents may tell you the names of many such fruits and vegetables. आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने आपको बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नेम बताए होंगे. वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, एस्परगस, मशरूम आर कॉमनली फाउंड इन द मार्केट. सिमिलरली फ्रूट्स लाइक कीवी, स्ट्रॉबेरीज, रेस्पबेरीज, रेड एंड ब्लैक ग्रेप्स आर वेरी कॉमन इन इंडियन मार्केट. ये जो सारे फ्रूट्स हैं वो आज के टाइम पे काफी कॉमन है हमारे मार्केट में, चाहे वो फ्रूट्स में कीवी है, स्ट्रॉबेरीज है, रेस्बेरीज है, रेड एंड ब्लैक ग्रेप्स हैं, चाहे फिर आपके वेजिटेबल्स में ब्रोकली है. ये सारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो आज के टाइम पे इंडिया के मार्केट में बहुत कॉमन है, आराम से मिल जाते हैं.
कैन यू टेल द रीजन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स, क्या आप नए क्रॉप्स के इंट्रोडक्शन का रीजन बता सकते हैं? देयर मे बी टू रीजन, इसके दो रीजन हो सकते हैं. फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है? दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, इनको अदर कंट्रीज से ट्रांसपोर्ट करके इंडिया में लाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम मलेशिया, जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो मलेशिया से ट्रांसपोर्ट करके इंडिया लाया जाता है. कीवी फ्रॉम न्यूजीलैंड, कीवी को कहां से ट्रांसपोर्ट किया जाता है? न्यूजीलैंड से. रेसबेरीज फ्रॉम टर्की एंड एप्पल्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, रेसबेरीज को टर्की से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और एप्पल्स को ऑस्ट्रेलिया से. तो इस वजह से आज के टाइम पे इंडियन मार्केट में ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इजीली मिल जाती हैं. दे आर नाउ ग्रोन इन इंडिया ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप टेक्नोलॉजी इन इंडिया. एक और रीजन ये हो सकता है कि ताकि हम अपनी इंडियन जो हमारी टेक्नोलॉजी है, खेती की जो टेक्नोलॉजी है, उसको ग्रो करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये सारे के सारे अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंडिया में पाई जाती हैं. सो ये चैप्टर अभी यहीं पे खत्म होता है. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, प्लांट अराउंड अस, जिसमें हमने प्लांट्स के बारे में काफी डीपली पढ़ा है. आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है और इसको अच्छे से समझना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय.